एक भक्त बता रहा था कि मैं अपने साथी ने घना मित्र था मेरा, जब ये सत्संग मैंने सुना, ज्ञान लिया, नाम लिया, मैं सत्संग मारने लगा, तो मैंने उसको कहा कि अभी सत्संग में चलेगा मेरे साथ कि न, अभी फिर देखूंगा, अब टाइम को नहीं, अब समय नहीं है, फिर देखूंगा। नाट सके नहीं था कि दोस्ती थी, तो इतने में मैं थोड़ा सा आगे चला, चल भाई फिर बताएंगे इसको। थोड़ी सी दूरी पर कोई एक कोई अन्य को कह रहा था कि उस गांव में रागनी कंपटीशन होगा, वो मेरा मित्र उनके पास जाके खड़ा हो गया। अरे कौन से गांव में, कहाँ है बताइए। रात ने वहाँ धक्के खाने चलाएगा, और तीन दिन में आया वो रागनी कंपटीशन सुनने के लिए। वह तो फट दे, स्वीकार कर ली, मैंने बताया उसके लिए समय नहीं था। एक भगत था, वो बता रहा था कि एक उपदेशी ले लिया उसने, और उसने फिर अपने मित्र को समझाना, ये प्रत्येक की कर्तव्य बनता है कि मैं अपने मित्र को, अपने जो भी जो मेरी बात को सुन सकता उसको समझाऊं। तो उसके पास जाके कहने लगा कि भाई सत्संग में चलो, ज्ञान समझाया काफी, तो वो कहने लगा भाई मेरे पास टाइम नहीं, फिर देखूंगा। चलो तो फिर दोस्त, कुछ दिन के बाद वो फिर गया, जब सत्संग नेक्स्ट समय आया, सत्संग का निकट सी, तो उसने कहा भी चलोगे सत्संग में, उसने कहा भी मुझे फुर्सत नहीं, फिर देखूंगा। फुर्सत माने समय नहीं, देसी भाषा में फुर्सत कहे। उसने दो चार बार कहा, क्योंकि फर्ज बनता है प्रत्येक व्यक्ति का, जब ज्ञान समझ में आ जा रहे रह कर समझावे, तो बार बार कहता रहा अभी तू घना पीछे मत पड़े, मुझे अभी फुर्सत नहीं है, थोड़ा सा बच्चे सियाने हो जाएं और फिर मैं तेरे साथ चला करूँगा। अब कुछ दिनों के बाद उसकी हार्ट अटैक से मृत्यु होगी। मित्र था, उस शोक में जाना गया, उसका जो अर्थी लेकर अंतिम संस्कार करने के लिए जा रहे थे, लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है, और वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है, और कह रहे थे राम नाम सत्य है, वो कह रहा था आज भाई ने फुर्सत है, तो दूसरे उसके और व्यक्ति कह रहे थे तू ठीक बोल, के सोचेंगे ये घर के, हक में ठीक का बोल रहा हूँ। तो पुण्यात्माओं, तो यहाँ क्या बता रहे हैं कि संसारी दी गल्ला चिन्ह नहीं बुझे शब्द जो गहरे नो, ये मुर्दों से ती प्रीत लगावे न जाने सतगुरु मेरे। अब मुर्दों से ती प्रीत कैसे लगाओ, एक बाबा था गांव में रहता था, मर गया, उसकी समाधि बना दी, सारा गांव माथा टेक हुआ, वो खाक देगा। अब जैसे कोई वैद्य है, कोई डॉक्टर था और अच्छा जानकार वैद्य था, नाड़ी पकड़ के रोग बता देता था, दवाई जानता था, दे दिया ठीक हो गया। और अब वो मर गया, मरने के बाद उसकी समाधि बना दी, उड़े मूर्ति भी बना लो उसकी, और फिर वहाँ उससे माथा टेकने जा और दवाई लेने जा, वो खाक दवाई देगा। ऐसा ही वैद्य खोजना पड़ेगा जैसा वो था, और वो वैद्य आज सतलोक आश्रम बरवाला जिला हिसार में है, इस पृथ्वी पर नहीं है। अब क्या बताते हैं, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नो, श्वेत छतर सिर मुकुट विराजे देखत ना उस चेहरे नो, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए नज डेरे। पहले वर्षा के ऊपर निर्भर होता था सारा खेती किसानी, जब ये वाणी बोली थी परमात्मा के बच्चे गरीबदास जी ने। अब उस समय कह रहे थे कि जिसके पास डहर खेत हो, डहर होता है नीचे का झील का खेत, ऊंचे स्थानों पर वर्षा हुआ जल भी वहां आ जाता है उस नीचे के स्थानों में, और डहर एक उपजाऊ जमीन होता है, थलियों पर तो मनमाने किले में ओवे पांच मन गेहूं बाजरा मुश्किल थे, जब वर्षा हो जाता है वो भी, और नीचे हो जा 50 मन किले में 60 मन। तो परमात्मा कह रहे हैं कि जिन साधनाओं को आप कर रहे हो
और जिन देवताओं को जिन भगवानों को आप इष्ट मान के पूज रहे हो, ऐसा कर रहे हो जैसे ऊंची थलियों पर खेती बोकर तुम धनी बनन की इंतजार कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो। और ये जो हम साधना बताते हैं, हम जो कबीर भगवान बताते हैं, ये समझ लो डहर है आपका, डहर वो उपजाऊ जमीन है। एक मण गेहूं डालोगे तो 70 मण देगा आपने। श्वेत छतर सिर मुकट बेराज देखत न उस चेहरे नु, ये ऊंची थलियां खेती बोवे भूल गए नज डेरे नु, ये संसार समझदा नहीं कंदा श्याम दोपहरे नु। अपन आत्माओं देखो हमारे साथ कैसा कैसा हमारे साथ बना हुआ है। अब जैसे कोई रिलेटिव है, रिश्तेदार है, और कोर्ट में चला गया कचहरियों में, आगे रिश्तेदार मिल गया तो हम क्या करते हैं, हेलो और ठीक हो, हाथ मिलाओगे, हाँ जी ठीक ठाक सब ठीक है। कचहरियों में ठीक ठाक का कोई से का काम नहीं, दोनों दुखी। कचहरियों में गया आदमी ठीक हो सकता है, क्या सताया हुआ या किसी ने सताया होगा, सौ चिंताएँ होती हैं, आज पता नहीं गवाही की तारीख है, आज फलानी तारीख है, पता नहीं क्या होगा। परमात्मा कहते हैं आपने तो काल की भांग पी रखी है। जैसे कोई रिश्तेदार मेडिकल में कोई बच्चा बालक बीमार है, मिलने जाते हैं रिश्तेदार, हाथ मिलाओगे और ठीक ठाक, हाँ पर ठीक है सब, बाकी हो बालक का तकलीफ गड़ी है, फिर खाक ठीक है, लड़का मरण हो रहा बोला वो और तो ठीक ठाक है। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं तुम इस ठीक ठाक को समझ नहीं सके, ये ठीक क्या है यहाँ पर। अब क्या बताते हैं, जैसे एक शराब पिए पड़ा था दोपहर में, गर्मियों का मौसम और पसीना पसीना रेत में पड़ा, और उसको कोई कह रहा है कि उठ भाई तुझे वहाँ वृक्ष के नीचे बैठा देता हूँ, वो कहता है छोड़ दे मौज हो रही है। तो ये हालत हमारी इस काल के लोक में, 36 समस्याएं हमारे सामने, रात में लाओ जन ठीक ठाक है, खाक ठीक ठाक है यहाँ पर,